लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, हम नहीं, तू जा रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे नहीं पता, कहीं भी जा, पर अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। सामान उठा और घर से निकल इसी वक्त। उसकी तरफ क्या देख रहा है? वो ज्यादा बोली ना तो उसे भी रवाना कर दूंगा तेरे साथ। पर पापा, मेरा कसूर तो बताओ, मैंने क्या किया है? तेरा कसूर? तुझे नहीं पता कि तू क्या पैदा हुआ है? अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तुझे मार के गाड़ चुका होता। तूने और तेरी माँ ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। पर पापा, मैंने क्या किया पापा? मैं तेरा बाप नहीं हूं। अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ मत लेना कभी, समझा? पापा, मैं अपनी मर्जी से ऐसा पैदा नहीं हुआ हूं। कुछ मैं आप और माँ का खून है। बोला ना, मैं तेरा बाप नहीं हूं और तू हमारा खून नहीं है। तेरे से हमारा कोई वास्ता नहीं है। चला जा, तू इसी वक्त इस घर से चला जा। पर पापा, मैं कहाँ जाऊंगा? अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। कहीं भी जा, भीख मांग, मजदूरी कर, कुछ भी कर, पर मेरे घर से चला जा। दफा हो जा इसी वक्त। क्या कहूंगा दुनिया से, क्या है तू? पापा, मैं कहाँ जाऊंगा? पापा, आप तो मुझे इतना प्यार करते थे, ऐसा मत करो पापा, प्लीज। हाँ, करता था, बिल्कुल करता था, अपने बेटे को करता था, पर मुझे क्या पता था कि तू ना बेटा है ना बेटी है, या दोनों ही है। तुम दोनों ने तो आज तक मुझे धोखे में रखा। अगर मुझे रसिक ना बताता ना, तो मैं तो शायद सारी जिंदगी धोखे में रहता। पापा प्लीज, पापा ऐसा मत करो पापा, पापा प्लीज मुझ पे तरस खाओ, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बेटा आपसे कुछ नहीं मांगेगा, मैं इसे कैसे भी करके पाल लूंगी, पर इसके सर से ये छत और ये अपना साया मत छीनो। मैं इसे यहाँ रख लूं तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा इकलौता लड़का क्या है? घर में बहू लाऊंगा या दामाद? समाज का भी कोई तौर तरीका होता है, या इसने तुम्हारी बुद्धि पर भी पत्थर डाल दिए? पापा प्लीज, कुछ दिनों के लिए पापा, उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी होते यहाँ से चला जाऊंगा पापा, प्लीज। करेगा क्या तू? करेगा क्या ग्रेजुएशन करके? तूने तो तालियां ही बजानी है, नाच गा और कमा के खा, पर यहां से चला जा। हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। शर्म नहीं आती आप कैसा बोलते हो अपने बेटे के बारे में? हमने पैदा किया उसे, हमने, हम कसूरवार हैं। अगर इतनी परवाह ना आपको अपने समाज की, तो लो ना जिम्मेदारी कि हम में कुछ गड़बड़ी थी तब ऐसी संतान पैदा हुई है। बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। हम कसूरवार हैं इसे पैदा करने के। इतना दम है ना, तो लो ना जिम्मेदारी, पर बहुत आसान सा रास्ता निकाल दो इसको और समाज में कॉलर ऊंचा करके घूमो। मैं फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें कोई कष्ट है ना, तो तुम भी इसके साथ निकलो घर से बाहर। निकल रही हूं मैं भी, निकल रही हूं। ये आपके लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए मेरी औलाद है। आपके भाई के बेटे रसिद की तरह किसी का रेप करके नहीं आया ना ये, कि समाज इसे फूल मालाएं पहनाएगा। उसके लिए तो ना आपका समाज शर्मिंदा होता है, ना आप, और ना वो बेशर्म खुद। पर मैं शर्मिंदा हूं ऐसे समाज और ऐसे खानदान से संबंध रखने में। नहीं रहना चाहती मैं ऐसे समाज और ऐसे खानदान में जहां इंसान और इंसानियत की कदर ना हो। चल मकीश, ऐसे समाज और ऐसे खानदान से कहीं दूर चल। नहीं माँ, आप मेरे लिए अपना घर मत छोड़ो, मैं चला जाऊंगा, कहीं भी रह लूंगा। नहीं बेटा, इन्हें ना तेरी जरूरत है ना मेरी, इन्हें तो समाज की जरूरत है। रहेगा ना समाज इनके घर में आकर, देखेगा ना इनकी हरी बीमारी में इनको, देगा ना रोटी पानी। पर मुझे पूरा विश्वास है मैं कुछ भी करके तुझे पाल लूंगी, पर इस समाज और इस खानदान में कभी नहीं आऊंगी।
तुम्हारे लिए समाज जरूरी नहीं है, पर मैं एक सामाजिक आदमी हूं। समाज के बिना कोई गति नहीं होती है। हम जहां पर रहते हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ पापा ठीक है, आप समाज के हिसाब से चलना, हम जा रहे हैं। आपको जब भी जरूरत हो ना मुझे बुला लेना। दफा हो जाए यहां से, मेरी लाश को आग देने में मत आना, समझा तू? चल बेटा, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ भी करके तुझे पाल लूंगी, पर ऐसी सोच वाले खानदान और समाज के बीच में नहीं रहूंगी। आपको क्या हो गया पापा, आप कैसी जगह पे रह रहे हो? समाज ने ना इनका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख लिया। मा प्लीज। क्या प्लीज? जिस समाज के कारण इन्होंने तुझे घर से निकाला था उस समाज को बुलाए ना, तुझे कॉल करके क्यों बुलाया? अब क्या कहेंगे समाज से कि सेवा के लिए बेटे को बुलाया है बेटी को? अब शर्म नहीं आएगी आपको? तुम मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? माफी मांगनी है तो अपने बेटे से मांगो, माफी मांगनी है तो उस हर थर्ड जेंडर से मांगो जिसे आपने अपनी नफरत भरी निगाह से देखा होगा। प्लीज पापा को ऐसे मत बोलो। क्या बोलूं? ओह थैंक यू, आपने हमें बुलाया, अपनी सेवा का मौका दिया, अपने समाज से अपनी परमिशन ली कि हम आपको देखने आए या नहीं आए। ये ना हो कि हमारे कारण आपका समाज ही आपको घर से बाहर निकाल दे। प्लीज प्लीज बस कर, मैं समझ गया हूं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। कोई समाज वमाज नहीं होता, मैं ही कमजोर था। मैं मुकेश की जिम्मेदारी लेने से डर गया था। मैं अपने आप से डर गया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। माँ प्लीज पापा को माफ कर दूंगा, प्लीज। पापा आप हमारे साथ चलो, प्लीज चलो आप हमारे साथ। आसान होता है ना अपने बच्चे को ये कहकर घर से निकाल देना कि हम समाज को क्या जवाब देंगे। पर एक रेपिस्ट जो उसका परिवार समाज में कंधे ऊंचे करके घूमता है, उससे कोई सवाल नहीं करता। पर सारे सवाल थर्ड जेंडर से क्यों किए जाते हैं? कभी सोचा है आपने उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी? कितने स्वार्थी हो जाते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हम समाज की आड़ में रहते हैं। हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है तो सब उसी की देन है। हम कौन होते हैं किसी को अपना नाम देने वाले? सब हम हैं और हम सब में हैं, ये तो सुना होगा ना आपने। तो आप अपने बच्चों को समझें और उनके साथ ही बन जाएं, क्योंकि उन्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर आपका साथ होगा तो उनकी जर्नी भी आसान हो जाएगी। और हाँ, हमारा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने बच्चों के प्यार को किसी जंग से ना बांधें, उनका आसमां बनें।